सुनने वाले सभी भक्तों को मेरी राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 7। इसे सुनने मात्र से मिलती है पापों से मुक्ति। नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा विस्मित हो इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़कर अपने पास बैठे ऋषि से कहने लगा कि मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा है और महात्माओं का विस्मयकारी चरित्र भी देखा है, जिसके पुण्य प्रभाव से इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हो गया। मेरी इस धर्म को विस्तार से सुनने की बड़ी अभिलाषा है। हे ब्राह्मण, कृपया करके इस धर्म को विस्तार से मुझे समझाएं। राजा की इस बात को सुनकर ऋषि श्रुति देव बोले, राजश्री, आपकी बुद्धि बड़ी ही उत्तम है। इसकी प्रेरणा से आप में वासुदेव भगवान के प्रिय धर्म को पूछने की लालसा हुई है। अनेकों जन्मों के संचित पुण्य कर्म के बिना किसी भी प्राणी की बुद्धि वासुदेव की कथा सुनने में परवर्त नहीं होती है। युवा अवस्था में इतने राज्य को प्राप्त कर आपको जो सम्मति हुई है, उससे उत्साहित होकर मैं साधुओं में श्रेष्ठ भागवत धर्म को सुनाता हूँ। इसका ज्ञान प्राप्त कर लेने से प्राणी संसार के जन्म आदि बंधनों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में जो साधक वैशाख मास के धर्म का पालन नहीं करता, वह स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाता है। वैशाख मास में जो धर्म के पालन है, वे बहुत ही आसान है, जैसे जल के भरे घड़े का दान, प्याऊ लगवाना, छतरी और पंखे का दान करना, तिल व शहद का दान, कुएं, तालाब व बावड़ी बनवाना, नारियल, कपूर व गन्ने का दान करना, चंदन का तिलक लगाना, पके हुए आम व ककड़ी का दान करना, फूल व शरबत का दान करना, व पूर्णिमा पर सभी प्रकार के अन्न दान करना, सूर्य उदय से पहले स्नान करना व सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, दूध व दही का दान करना, भगवान की कथा सुनना, पूजा करना, गायों को हरा चारा डालना, गायों की सेवा करना, चावल व सब्जी का दान करना, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना व धर्म का पालन करना वैशाख मास में बहुत ही उत्तम माना गया है। भगवान को प्रतिदिन फूल व फल अर्पण करना, भगवान विष्णु, श्री लक्ष्मी जी व सभी देवताओं के साथ मनुष्यों की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और सब मनुष्यों के कर्तव्य व अकर्तव्यों को देखते हैं। जो मनुष्य भगवान की विधि विधान या भाव के साथ पूजन व धर्म का पालन नहीं करते, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में भूखों को भोजन खिलाना व असहाय लोगों की मदद करना, प्यासे को पानी पिलाना आदि बहुत जरूरी होते हैं। वैशाख माह में जल दान व अन्न दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। प्रत्येक मनुष्य को वैशाख माह में अन्न व जल का दान जरूर करना चाहिए। जल से भरे घड़े का दान वैशाख माह में जरूर करें। मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के नियमित अन्न अर्पित करके अगर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, तो इससे पूरे परिवार के कष्ट व पाप नष्ट होते हैं। इसलिए मेष की संक्रांति में अन्न दान जरूर करें। वैशाख महात्म्य का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, वैशाख के ठाकुर की जय। वैशाख माह में अगर ज़्यादा कुछ न कर सकें तो किसी प्यासे को पानी जरूर पिलाएं, भूखे को भोजन जरूर कराएं,
और सूर्य देव भगवान को जल अर्पण जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर बोलो राधे राधे।